हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों अर्धचालक का उदाहरण है दोस्तों, तो कार्बन सिलिकन व जर्मेनियम दोस्तों, कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम है दोस्तों अर्धचालक के उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो चालकता है दोस्तों वो बढ़ जाएगी दोस्तों, और घटाने पर क्या होती है दोस्तों घट जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अति चालक का प्रतिरोध होता है, तो अति चालक जो प्रतिरोध होता है वो होता है दोस्तों शून्य। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोडा वाटर विलीन होता है, तो गैस द्रव का विलीन होता है दोस्तों सोडा वाटर, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अम्लों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जो H2SO4 होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों उसे ही कहा जाता है दोस्तों अम्लों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है दोस्तों ठोसों के अंदर ऊष्मा का संचरण। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कान के अंदर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है दोस्तों कान के अंदर ध्वनि का प्रभाव। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है दोस्तों, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंग है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।